Let's read the question. The question says the perpendicular distance of a point from x-axis is 2 units and the perpendicular distance from the y-axis is 3 units. Write the coordinates of the point and find in which quadrant these points lie. यहाँ मैंने दो एक्सिस बनाए हुए हैं, x-axis और y-axis. ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज आवर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज आवर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट. नाउ लेट्स प्लॉट दीज पॉइंट्स. क्वेश्चन कहता है x एक्सिस से 2 यूनिट की डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट है, तो हमारा ये x एक्सिस है, इस x एक्सिस से 2 यूनिट्स की डिस्टेंस यानी ये कहीं यहां पे, और y एक्सिस से 3 यूनिट्स की डिस्टेंस, ये हमारा y एक्सिस है, y एक्सिस से 3 यूनिट्स. इसका मतलब हमारा पॉइंट यहां कहीं लाइक करेगा. चलिए हम इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं. ये पॉइंट हमारा ये हो जाएगा 3, 2. तो जैसा आप देख सकते हैं ये पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करता है और कोऑर्डिनेट्स हमारे 3, 2 है. तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, 2 और क्वाड्रेंट है हमारा फर्स्ट. I hope you understood it well. Best of luck.